चाणक्य नीति। चाणक्य नीति आचार्य चाणक्य द्वारा रचित एक नीति ग्रंथ है जिसमें जीवन को सुखमय और सफल बनाने के लिए योग्य सुझाव दिए गए हैं। इस ग्रंथ का मुख्य विषय मानव समाज के जीवन के हर एक पहलू की व्यवहारिक शिक्षा देना है। आचार्य चाणक्य एक महान ज्ञानी थे जिन्होंने अपनी नीतियों की बदौलत चंद्रगुप्त मौर्य को राजा के गद्दी पे बिठाया था। अनृत साहस माया मूर्खत्व मती लुब्धता असौचत्व निर्दत्व त्रिना दोषा स्वभावता झूठ बोलना बिना सोचे समझे किसी कार्य को प्रारंभ कर देना दुस्साहस करना छल कपट करना मूर्खतापूर्वक कार्य करना लोभ करना अपवित्र रहना और निर्दयता ये स्त्रियों के स्वाभाविक दोष है। भोज्य भोजन शक्ति च रति वर्णांगना विभुगे दान शक्ति च ना सपल्ये तपस फलम। भोजन के लिए अच्छे पदार्थ प्राप्त होना उन्हें खाकर पचाने की शक्ति होना सुंदर स्त्री का मिलना उसके उपभोग के लिए काम शक्ति होना धन के साथ साथ दान देने की इच्छा होना ये बातें मनुष्य को किसी महान तप के कारण प्राप्त होती है। यश पुत्रो वशीभूतो भार्या छंदगामिनी विभये एच संतुष्टस्यम स्वर्ग ही। जिसका बेटा वश में रहता है पत्नी पति की इच्छा के अनुरूप कार्य करती है और जो व्यक्ति धन के कारण पूरी तरह से संतुष्ट है उसके लिए पृथ्वी ही स्वर्ग के समान है। ते पुत्राये पितृभक्ता स पिता युक्त पोषक तन्मित्र यस विश्वास सा भार्या श निवृत्ति। पुत्र उन्हें ही कहा जाता है जो पिता के भक्त होते हैं। पिता वही को कहा जाता है जो पुत्रों का पालन पोषण करता है। इसी प्रकार मित्र उसी ही कहा जाता है जो इस पर विश्वास किया जा सकता है और भार्या अर्थात पत्नी भी वही जिससे सुख की प्राप्ति होती है। परक्षे कार्य हंतार प्रत्यक्षे प्रिय वादिमन वज्र दृश्य मित्र विषकुंभ पयोमुखम। जो पीछे कार्य को बिगाड़ने और सामने होने पर मीठी बातें बनाए ऐसे मित्र को उस घड़े के सामने त्याग देना चाहिए जिसके मुंह पर दूध भरा हुआ है परंतु अंदर विष हो। न विश्वसेत कुमित्र च मित्र चापी न विश्वसे कदाचित कुपित मित्र सर्वगृहे प्रकाशिये। जो मित्र खोटा है उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए और जो मित्र है उस पर कभी अति विश्वास नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वह मित्र कभी नाराज होकर सारी गुप्त बातें प्रकट कर दे। मनसा चित्तन कार्य वाचा नैवे प्रकाशयेत मनन न रक्षेत गृढ कार्य चापी नियोजते। मन से सोचे हुए कार्य को वाणी द्वारा प्रकट नहीं करना चाहिए परंतु मन पूर्वक भली प्रकार सोचते हुए उसी रक्षा करनी चाहिए और छुपे रहते हुए उस सोची हुई बात को कार्य रूप में बदलना चाहिए।